नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल कर्मीर में। पिछले वीडियो में हमने BLS 03 जून 2019 के पांचवें ग्रुप का जो पेपर हल किया था, उसी का जो अ भाग था जो कोलन क्लासिफिकेशन पर आधारित था, वो हल किया था। आज इस वीडियो में हम इसके जो सेकंड जो ब भाग है, जो DDC के ऊपर आधारित है, वो उसको हम हल करेंगे। तो ये पहला सवाल है, इसमें 7 सवाल है, इसमें से कोई 5 करण है और ये आपके पूरा 7.5 अंक का रहेगा। और ये है जो अगला सवाल है, ये इसमें भी कोई 5 आपको हल करने हैं और ये 12.5 अंक का रहेगा, पूरे अंक 5 सवाल। और छठा जो सवाल, ये थोड़ा बड़ी है, ये इसमें भी आपको 5 सवाल करने हैं और ये पूरे 5 सवालों के 15 अंक आपको मिलेंगे, यानी कि 1 सवाल 3 अंक का। छोटे छोटे सवालों को करते हैं। पहला है इकोनॉमिक बोटनी। इसको हल करने के लिए सबसे पहले आपको उस मेन क्लास का पता लगाना है, और यदि आपको मेन क्लास आसानी से मिल जाती है तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको जो Volume No. 1 जो पहली किताब है उसके जस्ट पीछे ये समरी है जो आप प्रैक्टिस करते हैं, इस समरी में आप जाएंगे और इसका वर्गांक आप ढूंढेंगे। ये साइंस का है, 500 में आप जाएंगे, 581 आपको बोर्ड नहीं मिल जाता है, ठीक है। और ये 581 में आगे है तो आप सेकंड नंबर जो वॉल्यूम है उसमें आप 581 में आगे ढूंढेंगे। ये 581 आ गया, बोटनी, इसमें 581 में आगे 1, 2, 1, 2, 3, 4 जो 581.6 है ये इकोनॉमिक बोटनी है, तो 581.6 इसका वर्गांक हो जाएगा। अगला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो ये फिजिक्स का है, फिजिक्स के वर्गांक वैसे आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको याद है, लेकिन आप जो समरी है इसमें ढूंढ सकते हैं, जो फर्स्ट वॉल्यूम है उसके सबसे लास्ट में। ये 500 साइंस में, 500 में मिलेगी, 530 के बाद आपको मिलेगी फिजिक्स। तो ये 530 है और 530 में आगे सेकंड नंबर जो वॉल्यूम है उस किताब में आप जाएंगे, 530 से आगे ढूंढेंगे। इसमें आप ढूंढते ढूंढते 530.141 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, तो 530.141। ओल्ड पर्शियन और वेस्ट ईरानियन लैंग्वेज, ये लैंग्वेज के लिए 400 में आपको जाना पड़ेगा। आप ये दो अदर जो लैंग्वेज है उसके लिए 491 मतलब 490 के बाद आप जा सकते हैं, 491-93, 491-92 में आपको ये मिल जाएंगे। ये ओल्ड पर्शियन और वेस्ट ईरानियन के 491.51। अगला फाइन एंड डेकोरेटिव आर्ट। ये सवाल कई बार आया है और तो ये आप सबसे पहले आप समरी में चले जाइए। तो ये 700 है, यही है फाइन एंड डेकोरेटिव आर्ट। तो आप इसी को जो सेकंड नंबर वॉल्यूम है उसमें भी आप ढूंढ सकते हो, ये आर्ट, फाइन एंड डेकोरेटिव आर्ट, ये दोनों एक ही चीज है, दोनों ही नाम है इसके, तो आप 700 लिखेंगे सीधा। अगला एजुकेशन फॉर क्रिएटिविटी। तो एजुकेशन का कोड आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये मुख्य जबान याद भी है, लेकिन आप समरी में ढूंढ ले सकते हैं। ये सोशल साइंस में आपको 300 के बाद मिलेगा, आपको 370 में आपको मिलेगा।
और 370 एजुकेशन है, तो सेकंड नंबर वॉल्यूम में आपको 370 से आगे ढूंढे। इसमें आप 370.118 एजुकेशन फॉर क्रिएटिविटी ये दिया हुआ है, 370.118। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, ये ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री के लिए 900 है, 900 में आगे आप देखेंगे। तो जो 911 है वो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी है, तो 911 आयो हो जाएगा इसका। अगला कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, ये सोशल साइंस में ही आपको मिल जाएगा, 300 में आगे, 306 में आगे। जैसे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, 306 ही कल्चरल और इंस्टीट्यूशंस का है, तो 306 में आगे आप देखेंगे, 306.4 है कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, 306.4। तो ये पहला है कि मैंने 5 सवाल करने थे, आपको 7 सवाल मैंने करा दिए, तो आपको प्रैक्टिस के लिए। अब ये जो है, जो सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं DDC में, ये जो ज़्यादातर स्टैंडर्ड सब डिविजन या जो टेबल नंबर 1 और 2 के ही आते हैं, तो इसको हम हल करेंगे। स्टडी एंड टीचिंग ऑफ लाइफ साइंस, तो सबसे पहले आपको लाइफ साइंस का वर्गांक ढूंढना है, तो ये तो बिल्कुल सरल ही है, जो आप प्रैक्टिस करते हो लाइफ साइंस के विद्यार्थी हो, तो इसका जो वर्गांक है 202 है। लेकिन आपको यदि ध्यान नहीं रहता है उस समय, तो आप समरी में भी जाके देख सकते हैं, ये 202 है। अब आपको ये पता हो गया 202 है, अब आपको 202 सेकंड बुक में आपको जाना है, सेकंड नंबर वॉल्यूम में। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि स्टैंडर्ड सब डिवीजन के लिए एक रूल्स होते हैं, वो यदि दिया हुआ है तो उसका हमें यूज करना है, और यदि नहीं है तो हम अलग से करेंगे। तो इसके लिए मैं एक अलग से लाइव क्लास में बहुत सारे नियम बताए हैं, उसका वीडियो भी है और आप उसका PDF भी है, दोनों से आप देख सकते हैं। अब इसमें जब नियम नहीं होता है तब हम क्या करेंगे वो आपको बता रहा, इससे पहले कि वो स्टडी और टीचिंग की जो वर्गांक है वो टेबल नंबर 1 से लेते पहले, तो स्टडी एंड टीचिंग के 07 है, लाइव साइंस के 020 प्लस 0 प्लस 07। अब इसमें नियम होता है कि यदि ये वर्ग संख्या उसके लिए वहां पर निर्देश ना हो और अंत में 0 हो तो इसका 0 हटा दिया जाएगा, यानी कि ये जो 020 इसका ये 0 हटा दिया, तो इसमें क्या बचा, 02 बचा, और ये 0 मान लो हट गया तब 3 अंक बनाएंगे कैसे, तो ये वाला इधर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये 0 आ गया, यानी कि ये 0 इधर आ गया, 3 अंक हो गए, लगा पॉइंट। अब ये 0 उधर चला गया था तब पीछे क्या बचा, 7, 7 इसका वर्गांक होगा। अगला इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया टूवर्ड्स जापान, ये इकोनॉमिक्स में आपको जाना पड़ेगा सबसे पहले। इकोनॉमिक्स के वर्गांक 330 है, तो 330 में आप समरी में ढूंढेंगे पहले, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स जो अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसके है। अब आप सेकंड नंबर बुक में 337 में जाके ढूंढें, ये 337 है। इसमें देखते हुए आप थोड़ा आगे आएंगे, यहाँ पर आप देखिए फॉरेन इकोनॉमिक्स पॉलिसी, यानी दो देशों की जो आर्थिक जो पॉलिसियां हैं वो, यहाँ पर आपको बहुत सारे उदाहरण दिए हुए, और यहाँ तक आप पहुंच गए तो आपका वो सवाल 101% गलत नहीं होगा। यहाँ क्या दिया हुआ, एड एरिया नोटेशन 349 टेबल नंबर 2,
यहाँ की जो एरिया के लिए आपको टेबल नंबर 2 का यूज करना है और बेस नंबर आपको 337 लिखने हैं। तो आप क्या करेंगे, 337 बेस नंबर लिख देंगे। ठीक, अब आगे क्या इसी में नीचे दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ यूनाइटेड किंगडम, यूके की पॉलिसी, तो 337 और टेबल नंबर 2 से यूके के कोड आगे 41। फॉर फॉरेन पॉलिसी बिटवीन टू जंक्शंस या टू ग्रुप, यानी दो देशों के बीच में है तो 0 बीच में ऐड करना है, जैसे इसने उदाहरण एक दिया है, और फिर टेबल नंबर 2 से दूसरे देश कोड, जैसे इकोनॉमिक पॉलिसी बिटवीन यूके एंड फ्रांस, तो यूके एंड फ्रांस के लिए सबसे पहले ये बेस नंबर 337 लिखा, फिर यूके के कोड 41 से, और उसके बाद 0 लगाया, और उसके बाद जो फ्रांस की कोड है वो 44 से, वो 44 टेबल नंबर 2 से लिए और यहाँ पर लिखे। तो ठीक ठीक इसी तरीके से भी हम करेंगे। तो इसमें इंडिया की कोड हम लाएंगे टेबल नंबर 2 से, और जापान के भी टेबल नंबर 2 से, यहाँ से देखेंगे जो हमारा भारत और जो जापान है, इंडिया एंड जापान, वो एशिया में एशिया के लिए 5 है, यानी 5 से आगे ढूंढेंगे, 1 2 3 4 5, तो इसमें काफी आगे जाना पड़ेगा अपने को। यहाँ आ गए, यहाँ पर हमें इंडिया के चाहिए थे, जापान के 52 है और इंडिया के 54 है। सबसे पहले इंडिया के, तो पहले 54 लिख देंगे, 54, उसके बाद 0 है, और उसके बाद जापान के 52 है वो लिख देंगे। हमें ठीक जैसा रूल्स में बताया गया था वैसे के वैसे ही हमने किया है। दोबारा मैं आपको वहां लेकर चलता हूँ उस रूल्स की ओर, जो यहाँ ये नियम जो दिया हुआ था। ये इकोनॉमिक स्टेट में गए, और इसमें से नीचे चलते हुए ये यहाँ पर हमें मिल गया है 0.3 से 0.9 तक इकोनॉमिक्स पॉलिसी। इसमें भी उदाहरण है, दो देशों के बीच है तो ये 337 उदाहरण लगाना है, उसके बाद ये 0 ऐड करना है, फिर 337 बेस नंबर पहले देश के कोड, फिर 0, फिर दूसरे देश के कोड, इस तरीके से हमें ये करना है। तो ये हो गया 337, फिर पॉइंट, अब 3 अंक के बाद ये 54 लिखेंगे, 5 4, अब 3 अंक बनाना है तो एक एक और ये अगला अंक 0 जुड़ जाएगा, फिर स्पेस 5 2, यानी कि पॉइंट के बाद 3 3 अंकों का जोड़ा बनेगा, 3 अंक स्पेस 3 अंक स्पेस 3 अंक, इस तरह से ये चलता रहेगा। जर्नल ऑफ मैथमेटिक्स, सबसे पहले आप मैथमेटिक्स की कोड निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको समरी से पता करना है मैथमेटिक्स की कोड क्या है। वैसे आप प्रैक्टिस करते तो आपको ये चीज याद हो जाती है, लेकिन मैथमेटिक्स जो साइंस में 500 से आगे देखेंगे 510 है। ठीक, अब 510 में सेकंड नंबर बुक में जाएंगे कि स्टैंडर्ड सब डिविजन्स के लिए रूल्स क्या है। अब यहाँ पर फिलोसॉफी एंड थ्योरी का है, लेकिन हमें किसका चाहिए था, जर्नल के लिए, तो देखते हैं जर्नल के लिए इसमें रूल्स है या नहीं है। यदि नहीं है तो जो शून्य का वाला है वो कर देंगे, तो अब हम इसमें पहले तो 510 लिख देंगे। अब हम जाएंगे टेबल नंबर 1 में कि ये जर्नल या सीरियल पब्लिकेशन के लिए क्या है वो देख लेंगे। सीरियल पब्लिकेशन के लिए 05 है, तो 05 हम यहाँ कर देंगे। अब इसका नियम होता है कि यदि वर्ग संख्या
के नीचे निर्देश ना हो और उसके अंत में जीरो वन एक शून्य हो तो वो शून्य हट जाता है। तो ये 51 आ गया, यानी कि ये जीरो हमने मान लो हटा दिया। अब पीछे तब इधर वाला जीरो लेंगे तो ये जीरो आएगा, यानी 0.5 वाला जीरो, फिर ये हो गए पॉइंट। अब ये जीरो मान लो ले लिया, उसके बाद ये 5 बचा था, वो ये 5 लिख देंगे। कहने का मतलब इसमें एक जीरो हट गया है। अगला है फिलोसॉफी एंड थ्योरी ऑफ सोशलिज्म। सोशलिज्म के आप वर्गांक ढूंढिए। तीन सौ में ये 335 है वो सोशलिज्म की है। अब हम जो सेकंड नंबर बुक में उसमें 335 में जाएंगे। सोशलिज्म में आप देखो स्टैंडर्ड सब डिविजन्स के लिए रूल्स दिया हुआ है, इसको ध्यान रखना। यानी कि 335 के बाद दो जीरो जरूर आएंगे, 001 इस तरीके से, यानी कि दो जीरो जरूर आएंगे। ठीक, तो इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। 335 प्लस फिलोसॉफी एंड थ्योरी के लिए वर्गांक ढूंढेंगे, जैसे 01 है, चेक कर लेते हैं टेबल नंबर 1 से। फिलोसॉफी एंड थ्योरी के लिए 01 है, 01 है। और हमारा एक नियम है, इसमें इसे नियम लिखा हुआ था यहाँ पे, यूज 335.001, 335.009 फॉर स्टैंडर्ड सब डिविजन, इस तरह से लिखा हुआ था। कहने का मतलब 335 के बाद डबल जीरो आएगा। ठीक है, उस नियम के अकॉर्डिंग तो हम लिख देंगे 335.00 और 1, इस तरीके से ये लिखा जाएगा। पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ युगांडा। पॉलिटिकल कंडीशंस के लिए आप पॉलिटिकल साइंस में जाएंगे 320 के बाद, क्योंकि 320 है वो पॉलिटिकल साइंस का है। 320 के बाद आप ढूंढें, से सीधा ही सेकंड बुक में, वैसे आप समरी से भी पता कर सकते हैं, वैसे आप प्रैक्टिस करते 320 पॉलिटिकल साइंस का, तो ये आसानी से ध्यान रह जाता है। 320 में आप जैसे ढूंढते हैं तो उसमें भी पॉइंट में आप जाएंगे तो 320.9 है पॉलिटिकल सिचुएशन और कंडीशन, 320.9 हो गया। अब इसमें स्टैंडर्ड सब डिविजन्स के लिए अगर यदि रूल्स है तो हम देख लेते हैं। तो इसमें ज्योग्राफिकल ट्रीटमेंट के लिए दिया हुआ है, तो उसमें आपको बेस नंबर क्या रखना है, ये दिया हुआ है 320.9, जो यानी कि जो स्थान अगर कोई जोड़ना है तो 320.9 रखना है, तो हम 320.9 कर देंगे। अब हमें टेबल नंबर 2 से युगांडा की कोड लेना, लिखा हुआ टेबल नंबर 2 से आप जो स्पेस के जो कोड है वो आप लेंगे। तो युगांडा आपके अफ्रीका महाद्वीप में, सबसे पहले आप तो टेबल नंबर 2 में चले जाइए, अफ्रीका ये 6 में है तो 6 वाले में आपको ये मिलेगा। ये अफ्रीका हो गई, अब यहां से आपको युगांडा के निकालने हैं। ये मिस्र वगैरह ये हो गए, ये नॉर्थ वेस्ट,
जी ये रहे युगांडा के, युगांडा एंड केनिया के 676 है। अब इनको सीधा अपन जोड़ देंगे 320.9। अब ये 6 और 7 इधर खिसक जाएंगे, 6 और 7 तीन अंक हो गए, फिर स्पेस और अगला अंक। बर्ड्स ऑफ एशियंट इंडिया, बर्ड के लिए आप समरी में जाइए कि जो बर्ड के लिए क्या है। ये बोटनी में मतलब जो जंतु विज्ञान है, जूलॉजी में आपको मिलेगा 590 के बाद। बर्ड्स जन एविज, एविज के लिए 598। अब आप 598 में जाइए कि स्टैंडर्ड सब डिविजन या टेबल्स के लिए जो रूल्स क्या है, टेबल नंबर 2 के लिए 598 में सीधे जाएंगे आप। ये हिस्टोरिकल ज्योग्राफिकल के लिए क्या है, बेस नंबर 598.29, 598। अब आपको एशियंट इंडिया के कोड चाहिए तो टेबल नंबर 1 में जाएंगे, जो एशियंट वर्ल्ड है उसमें पहले ढूंढेंगे। एशियंट वर्ल्ड के 3 में है तो 3 में जाके अपन ढूंढ लेंगे। ये एशियंट वर्ल्ड यहाँ 3 शुरू हो रहा है, इसमें एशियंट इंडिया के है, इसमें इंडिया के है 34, तो अपन इसमें 34 जोड़ देंगे। और पांच सौ 98.29293 और फिर पीछे बचा स्पेस 4। इंडियन फोक सॉन्ग, पहले तो फोक सॉन्ग के हमें निकालेंगे। ये कलाओं से म्यूजिक वाले में मिलेगा, जो 700 के बाद मिलेगा। समरी में आप पता करें कि फोक सॉन्ग का क्या हो सकता है, 700 में आप सबसे लास्ट में देखें, लगभग म्यूजिक का 780, 780 के बाद मिलेगा। इसमें 700 लगभग 84 के बाद हम ढूंढते हैं। ये 784.4 है। और इसमें अपने को हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल का कुछ जोड़ना है तो 0.49, यानी 784 और 49 जोड़ना है। ये एक उदाहरण दिया हुआ है, फोक सॉन्ग्स ऑफ 17th सेंचुरी, तो 400 सॉरी 784.49, फिर 032 17वीं शताब्दी के ये कोड है, तो 784.49। अब हमें इंडिया के कोड इसमें लगाने हैं, इंडिया की कोड है 54, हमने पहले देख लिए थे 784.49, ये 5 उधर आ गया स्पेस 4।
अगले बड़े वाले सवालों की ओर अपन चलते हैं। बर्मीज कैलीग्राफी, तो सबसे पहले कैलीग्राफी का अपन ढूंढेंगे। इसमें ये कलाम वाले में, इसमें 700, ये समरी में जाके पता करें, 700 में 40 में है लगभग। इसमें 735 डेकोरेटिव ए माइनर्स वगैरह, इसमें देखते हैं आगे। 745 देख लेते एक बार। सात सौ 45.6 है ये डेकोरेटिव वगैरह है, इसमें थोड़ा सा नीचे इसमें मिल जाएगा हमें। हमें कैलीग्राफी का चाहिए, तो ये आप देख रहे हैं कैलीग्राफी आर्टिस्ट, इसमें तो ये हो गया 0.61। सात सौ 45.61 अब हमें बर्मीज का ढूंढना। तो बर्मीज ये जो टेबल नंबर 7 में हमें मिलेगा, जो लोगों का जो समूह होता है उनके लिए टेबल नंबर 7 में हम जाएंगे। ये शायद 3 में मिलेगा, रेशियल एथिकल नेशनल ग्रुप में 3 वाले में मिलेगा। यहाँ पे लगभग ये चाइनीज वगैरह है, बर्मीज यहाँ पे होगा आस पास में। ये हमें टेबल नंबर 5 में मिलेगा, जो कोरियन बर्मीज, ये 958, ये 958 जोड़ देंगे। सात सौ 45.61 ये नौ उधर आ जाएगा, पीछे बचा 5, 8। डिक्शनरी ऑफ इटालियन एक्रोनाम्स, इटालियन भाषा के कोड हम 400 में से ढूंढेंगे। इटालियन भाषा के कोड है 450, लेकिन इसकी बेस नंबर है वो 45 है, तो 45 ले लेंगे सबसे पहले। और अब हम टेबल नंबर 4 में जाएंगे। और इसमें इक्रोनाइम्स का कुछ लेंगे और फिर डिक्शनरी का वो जी जोड़ देंगे। इसमें ये एक्रोनाइम्स एक है, एक्रोनाइम्स से एब्रिविएशन है, पंक्चुएशन सबके लिए एक है, तो हम ये एक जोड़ देंगे। और डिक्शनरी के लिए टेबल नंबर 1 में हम जाएंगे।
डिक्शनरी के लिए वैसे तीन जोड़ा जाता है, और इसमें भी ये दिया हुआ है तीन है, दो अदर लैंग्वेज के लिए तीन है, तो तीन भी हम जोड़ देंगे, तीन। अब ये हो जोड़ जाएगा 451.3। क्रिटिकल स्टडी ऑफ लव इन हिंदी पोएट्री, तो हिंदी भाषा की जो कोड है 491.43 है, बाकी की हम टेबल नंबर तीन में देखते हैं जो पोएट्री वगैरह के लिए। यहाँ से इसका कोड वो ये मिल जाएगा, इसमें जो भी मिले वो लिख लिया जाएगा। अगला कलेक्शंस ऑफ 20th सेंचुरी, तो 800 में जाएंगे सबसे पहले आप। 800 में इसका जो 808 पॉइंट आके कुछ समथिंग है वो अपन ले लेंगे। ये 808 ये कलेक्शंस का है, इसमें आगे देखते हैं। तो ये देखो ये सेंचुरी है वो 20वीं शताब्दी की है, तो ये आपको स्टैंडर्ड सब डिवीजन में मिल जाएगी, तो 808 उसमें फिर दो जीरो लगेंगे, तो ये 808 पॉइंट वैसे 00 इस तरह से आएगा, प्लस 20वीं सेंचुरी का जो हम टेबल नंबर 1 से ले लेंगे। तो 20वीं सदी का 09 04 है, 09 04 बराबर। अब उस रूल्स में क्या था पहले वो देखो, 808.00 आने थे, ठीक, यानी कि एक जीरो इसमें आ गया, फिर इसमें आए 9, फिर पीछे क्या बचा 04, इस तरीके से ये वर्गांक आएगा। स्वीडिश रीडर फॉर रोमानियन
स्पीकिंग लैंग्वेज। सबसे पहले आप जो रोमानियन भाषा है उसकी कोड निकालिए 400 में जाके। स्वीडिश और ये है तो सबसे पहले स्वीडिश की कोड लाएंगे 439.7। अब ये अदर पीपल के लिए, मैं जिसके लिए दूसरी लैंग्वेज अलग हो, ये टेबल नंबर 1 में इसका एक मिल जाएगा आपको, मैं बता देता हूँ। इसमें ये सब्जेक्ट अमंग ग्रुप्स इसमें 8 में आगे मिलेगा। इसमें जो 86 है ये जोड़ा जाएगा, जो टेबल नंबर 4 से लिया जाएगा, यानी रीडर्स के लिए। टेबल नंबर 4 से 86 लेना है रीडर्स के लिए, और फिर टेबल नंबर 6 से जो रोमानियन भाषा के कोड है वो ले लेंगे। तो यहाँ से ये रोमानियन भाषा के कोड है 4। छः सौ 39.7864। लर्न फ्रेंच थ्रू स्ट्रक्चरल अप्रोच, फ्रेंच भाषा के कोड वो निकालेंगे सबसे पहले। तो फ्रेंच भाषा की 440 है लेकिन बेस नंबर 44 है, तो 44 लिख देंगे। अब टेबल नंबर 4 में जाएंगे, इसमें जो स्ट्रक्चरल अप्रोच वगैरह है उसके लिए 82 जोड़ा जाएगा, तो इसमें 82 जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 448.2। अर्थमेटिक्स फॉर मैनेजर्स, तो सबसे पहले अर्थमेटिक के जो वर्गांक है वो हम ढूंढेंगे। ये अर्थमेटिक के आपके 510 के बाद है, ये 513 है, ये ले लेंगे। अब हम टेबल नंबर 1 में जाएंगे, ये वर्क्स फॉर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ यूजर्स, जैसे इसमें देखो वर्क्स फॉर इंजीनियर्स, तो उसके लिए 024 जोड़ा जाएगा इसमें। अब मैनेजर का या उसका जो वर्गांक है, मैनेजर या मैनेजमेंट का वर्गांक है वो हम देखेंगे स्टैंडर्ड सब डिवीजन में, नहीं मिलेगा ना, ये समरी में हमें मिल जाएगा, या मैनेजमेंट का लगभग 600 में मिलेगा। नहीं तो फिर मैनेजर के लिए ये टेबल नंबर 7,
टेबल नंबर 7 में ये जो पर्संस ऑक्युपाइड विथ इंजीनियरिंग ये हम ले लेंगे। तो 513.024 स्पेस 62। तो इस तरीके से ये पेपर हल परीक्षा में हल किया जाता है। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें। जैसे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।